Ρίση, εσύ καθιστή. क्या जा रहे हो कोशिश? पता नहीं। पता नहीं मतलब? जिस रास्ते पर भी मैं चलने की कोशिश करती हूँ, वो रास्ता सुजल की तरफ जाता है, क्योंकि मेरे हर रास्ते की मंजिल सुजल है। इसलिए अब मैंने अपने आप को तकदीर के हवाले छोड़ दिया। कोशिश, क्या तुम्हारा रिश्ता सिर्फ पिप्पी के साथ था? तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। सच बताओ तो तुम बिग बी से नहीं, अपने आप से भाग रही हो कशिश। हाँ ऋषि, शायद तुम सच कह रहे हो। मैं भाग रही हूं हर उस चीज से जो सुजल से जुड़ी हुई है। मैं सुजल के बगैर नहीं जी सकती, लेकिन सुजल चाहता है कि मैं उसके बगैर जी। तो ठीक है, इस जगह की हर चीज मुझसे और सुजल से जुड़ी है। यहाँ के रास्ते, यहाँ की हवा, यहाँ की वादियां, सब कुछ। सुजल ने चाहा कि मैं उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। मैंने वैसे ही किया, क्योंकि इसमें सुजल की खुशियां। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं हूँ, और मेरी जिंदगी का ये फैसला सिर्फ मैं करूंगी। मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाहती, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कशिश, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहता कि उस वजह से बिग बी या फिर हमारी कंपनी का सर झुक जाए। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक हमें नहीं मिल जाता, मेरा पूना आना जाना लगा रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा। पता नहीं कितना वक्त लगेगा, शायद 1 साल, शायद 2 साल। ऐसे में मैं महक को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए महक को अपने साथ ले जा रहा हूँ। कशिश, मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो। ऋषि, मैम। नहीं कशिश। कशिश, तुमने आज तक सब सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन आज जब हमें तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका मिला है, तुम हमसे वो हक छीन रही हो। दीप, प्लीज मना मत कीजिएगा। आप ये समझिए कि आपको हमारी नहीं, हमें आपकी जरूरत है। ये सब कुछ हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, ताकि आप हमेशा हमारी आंखों के सामने रहें। अपनों के गमों को बांटने के लिए अपनों को छोड़ के आप गैरों का सहारा मत लीजिए। प्लीज दी, प्लीज हमारे साथ चलिए। अरे शिवांगी, आज मैं तो बहुत ही खुश हूँ। वो तो आपको देखकर लग ही रहा है मम्मी जी। जानते हो क्यों? क्योंकि आप इस घर की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। इस घर की सबसे बड़ी परेशानी तो कशिश थी, और अब तो वो यहाँ नहीं रुकेगी, चली जाएगी। और इसके बाद महक भी चली जाएगी, फिर तो तुम्हारे और वरुण के रिश्ते के बीच में कोई दरार नहीं आएगी। सच कहा मम्मी जी, एक बात सोचती हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। जिंदगी के कीमती पल जो मैंने इन लोगों की वजह से खो दिए, वो कभी नहीं जाते। देर आए दुरुस्त आए, अरे इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ, शिवांगी, क्या मैं अपनी बहन से 2 मिनट बात कर सकती हूँ?
आइए ना मासी जी, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत खुश हो रही हूँ, इतना खुश हो रही हो कि ये भी भूल गई कि मैं यहाँ आई हूँ, और मेरे रहते तो तुम खुश हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी जिंदगी के वो राज हैं जो अगर एक बार खुल गए ना तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। जरा सोचो, जब लोगों को ये पता चलेगा कि तुमने अपने बेटे के साथ क्या किया, अपनी बहू के साथ क्या किया, और तो और तुमने तो अपने पति तक को नहीं छोड़ा, और फिर भी तुम खुश हो रही हो, वाह, बहुत हिम्मत है भाई तुम्हें। एक काम करो, आगे जब कभी भी खुशी आए ना तो मेरा चेहरा याद, खुशी अपने आप चली जाएगी। और एक गलत फहमी तुम्हें और है, अब तुम्हारा अच्छा पक्ष है, लेकिन हकीकत ये है कि अब तुम्हारा बुरा पक्ष शुरू हुआ है। हेलो। हाय मॉम। कैसे हो और कहाँ हो? बस मॉम, अभी अभी घर आया हूँ और कुछ ऑफिस का काम कर रहा था। तुम भी ना, अपना ना सही, कम से कम स्नेहा का तो ख्याल रखो, उसे कमरे में अकेले छोड़ दिया तुमने। मॉम, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आ जाइए, नेहा की तो देखभाल हो ही जाएगी। लेकिन सच मानिए तो मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, कहिए कब आएंगे आप यहाँ पर? आई मिस यू टू, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा, बहुत से काम है, अभी नहीं आ सकती। लेकिन मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम भी जब तक अपना काम खत्म नहीं कर लोगे तुम सोगे नहीं, इसलिए जल्दी से अपना काम खत्म करो और स्नेहा के पास जाओ। ओके ओके कैप्टन, सी यू देन, बाय बाय। हेलो। हेलो मिस्टर वर्मा। हाँ, मैं ऋषि बोल रहा हूँ। उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने पता किया था उसके बारे में। दरअसल उस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नया ऑफिसर आ गया है। सर बड़ा ही खड़ूस किस्म का ऑफिसर है और किसी भी काम में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करता। और सर उसे आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन और प्राइसिंग पर भी एतराज है। उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है सर। क्या नाम है? कैप्टन अभिषेक चौहान सर। ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगा। सर देख लीजिए सर, बड़ा ही कड़क किस्म का ऑफिसर है, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं वो। मैं जो चीज चाहता हूँ ना उसे हासिल करके रहता हूँ। वो तो ठीक है सर, लेकिन उसे फोन पर पकड़ना इतना आसान नहीं है, और फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट पर शायद वो फोन पर आपसे बात भी ना करें। आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप खुद उससे क्यों नहीं मिल रहे थे सर? ठीक है, वैसे भी मैं पुणे आ ही रहा हूँ, कहाँ मिलेगा या अभिषेक चौहान? देखिए सर, अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मिलने के लिए बात करेंगे तो वो शायद आपसे नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं करते सर, आप कल तक आ जाइए, और कल नेवी बॉल भी है तो उससे मिल लेते हैं, जैसा भी मुनासिब होगा। और आई सी यू। ठीक है सर। मिस्टर चौहान, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे देना ही पड़ेगा। कपड़े स्नेहा, 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 स्नेहा कहाँ हो तुम? स्नेहा, स्नेहा, रामसिंह, राम सिंह, तुमने स्नेहा को देखा? साहब अभी तो यहीं थी, पता नहीं अब कहाँ गई।
स्नेहा, स्नेहा कहाँ हो तुम? स्नेहा, स्नेहा कहाँ हो तुम? तो आप यहाँ पर हैं? और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं आपके कपड़े मैं कर रही हूँ। और मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपके पास नेवी बॉल में पहनेंगे कुछ भी नहीं है। नेवी बॉल की बात तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन इस वक्त भी तो पहनने के लिए कुछ चाहिए ना। अभी के लिए तो आपकी यूनिफॉर्म ही चल जाएगी, पर नेवी बॉल में मैं चाहती हूँ कि आप सबसे हैंडसम लगो। ठीक है, उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ओफो, आपको तो अपनी कोई भी फिकर नहीं है, अगर मैं ना हूँ तो पता नहीं आपका क्या होगा। उसके लिए ही तो हमने अपनी सारी जिम्मेदारी आपको सौंप रखी है। हाँ, तो चलो। कहाँ? शॉपिंग। और कहाँ? शॉपिंग अभी? नेहा, देखा मैंने कहा था ना। अरे बाबा, हमारी इतनी जुर्रत की हम आपका हुक्म टालते, लेकिन स्नेहा अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। नेवी बॉल रात को है ना, तो हम शाम को शॉपिंग के लिए चलेंगे। पक्का? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी और अपना काम खत्म करने के बाद आप मुझे यहाँ से पिकअप कर लेना। जी मैडम। अब आप कुछ कपड़े देंगी मुझे पहनने के लिए? बिग बी में जा रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक ऋषि। मैं जानता हूं कि तू ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके रहेगा, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मैं कोशिश करूंगा बिग बी। बिग बी, मैं कशिश को अपने साथ ले जा रहा हूं। मुझे कशिश के बारे में कोई बात नहीं करनी। जिनका दिल साफ होता है ना, उनके चेहरे पर सच्चाई आ ही जाती है। बिग बी, आपकी आंखें आपकी बातों का साथ नहीं दे रही है। बिग बी, मैं जानता हूं कि आप कशिश को कभी भूल नहीं पाएंगे। खैर, मैं तो ये बताने आया था कि आप कशिश की फिक्र मत कीजिए। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे कशिश से ज्यादा आपकी फिक्र हो रही है। कशिश के पास इस बात का तो गम है कि आपने उसे धोखा दिया, लेकिन आपके पास, आप तो सारी सच्चाई जानते हैं। बिग बी, क्या करेंगे आप? बेस्ट ऑफ लक, तुझे देर हो रही है तो जा। थैंक्स बिग बी। मैं जानता हूं ऋषि कि तुम लोग कशिश का ख्याल रखोगे। देखो बेटा, वहां जाने के बाद तुरंत ही अच्छे डॉक्टर के पास जाना और हर महीने के महीने अपना चेकअप करवा लेना और अपना ख्याल रखना। जी। सारा सामान आ गया? हाँ। ठीक है, मैं रोशन को लेकर आता हूँ, तुम लोग सामान गाड़ी में डाल दो। वैसे तो मैंने सब कुछ रख लिया, लेकिन किसी चीज की जरूरत हो तो वहां जाकर खरीद लेना। जी मम्मा। दादी। चले। हाँ चल। मम्मा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं फिर से हासिल कर पाऊं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है महक। जब वापस आओगी तो मेरे पोते को साथ लेकर आना। वहां जाने के बाद अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मुझे फोन करना। फोन करने के लिए हिचकिचाना नहीं। जी। तुम मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? अपने बेटे को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कोई तकलीफ? तकलीफ?
तुम मेरी सालों की परवरिश, मेरे इस जिगर के टुकड़े को अपने साथ लेके जा रहे हो और मुझसे पूछते हो कि मुझे तकलीफ होगी कि नहीं। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि रोशन की कस्टडी अब मेरे पास है। ये मेरा बच्चा है और मेरे साथ ही रहेगा। रिश्ते कोर्ट की दलीलों और जज के फैसले से नहीं बनते, रिश्ते दिल से बनते हैं। और रोशन मेरा बेटा है। और मैं देखता हूँ तुम मेरे बच्चे पे यहाँ से कैसे लेके जाते हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं रोशन, आप मेरे साथ चलोगे? नहीं रोशन, आई सेड कम विद मी। इस बच्चे का बाप होने का, कहलाने का कोई हक नहीं है तुम्हें वरुण, कोई हक नहीं, क्योंकि तुम जानते नहीं कि बाप का फर्ज क्या होता है। बाप का फर्ज होता है कि अपने बेटे को अच्छी परवरिश देना, उसकी देखभाल करना, उसकी जरूरत को पूरा करना। लेकिन फर्ज वो क्या होता है ये तुमने जाना ही नहीं, क्योंकि तुमने आज तक अपना कोई भी फर्ज नहीं निभाया, ना ही अपने माँ बाप के लिए और ना ही अपनी ये बीवी के लिए। परवरिश का मतलब समझते हो तुम? अरे तुम्हें अपनी जिंदगी की तकलीफों से फुर्सत मिले तब तुम समझोगे ना। और जरूरत, वरुण तुमने ये आज तक जानने की कोशिश नहीं की कि इस वक्त रोशन की जरूरत क्या है। इस वक्त रोशन की जरूरत उसकी मम्मा है, महक, तुम नहीं। रोशन को इन लोगों के साथ जाने दो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। रोशन तुम लोगों के साथ ही जाएगा। थैंक यू अंकल। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।